क्रोम ब्राउजर के अंदर आप ये सारे सेटिंग कर लो, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा और आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके फ़ोन जो है ना धीरे धीरे मतलब वो ख़राब भी हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं देगा, हैंग भी करेगा। तो इसीलिए अगर आप ये क्रोम के सेटिंग कर लोगे, जबकि ये एक ब्राउज़र है, बट सोचिए इसके अंदर कितना पावर है और ये आपको कितना बर्बाद करने का काबिलियत रखता है ये क्रोम ब्राउज़र। अच्छा चीज़ है, लेकिन इसके बुरी बातें कोई लोग नहीं जानते। मैं आपको मैंने बताया है ये पांच सेटिंग को आपको बंद करना चाहिए, कुछ चीज़ें करके रखनी चाहिए जिससे कि आप अपने फ़ोन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप, मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में लिख देना है क्रोम ब्राउज़र ट्रिक, क्रोम ब्राउज़र ट्रिक। ओके, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो दोस्तों, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपको जाना है और मैं आपको सबसे पहला बेसिक चीज़ बताऊंगा बिना समय को गवाए हुए। कभी भी आपके फ़ोन के अंदर इतने सारे टैब हो, सकता है मेरे अंदर तो 14 ही है ना, हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर 50 टैब हो खुला हुआ, मतलब यहाँ पे ना 50 लिखा हो, मेरा 14 लिखा हुआ है। अगर ये आपका जितना ज़्यादा लिखा हुआ रहेगा ना, 100-200, समझ लीजिएगा उतना आपका फ़ोन बुरा कंडीशन में है। बहुत लोग टैब का मतलब नहीं समझते हैं। टैब दोस्तों एक तरह समझिए मल्टीटास्किंग आपका हो जाता है। जैसे आपने कुछ सर्च किया, मैं चलिए ये मैंने कुछ सर्च कर लिया और मैं वेट, मैं ऐसे ये मैंने किया, ये मैंने नया टैब कर दिया, ये मेरा नया टैब ओपन हो गया। और मेरा ये नया टैब होने से नुकसान हुआ मुझे ये कि मेरे वो बैकग्राउंड में चला गया और ये एक और गिनती बढ़ गया, वो पहले 14 था अब 15 हो गया, ये मेरा मेरे लिए नुकसान हो गया। तो इसके अलावा मैंने आपको और भी बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताए हैं। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे करना है कि ये जो टैब इतने सारे फालतू के खुले हुए हैं इसको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा भाई, यहाँ पे क्लिक करो, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक, यहाँ नहीं, इस पे आप क्लिक करो, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लोज ऑल टैब, क्लोज ऑल टैब पे क्लिक करके ये क्लोज कर देना है, ये रेड जो है ना आपको ये क्लोज कर देना है। अब आपका फ़ोन बिल्कुल जैसे नॉर्मल चलता था ना उस तरह से चलेगा, पहले की तरह हैंग नहीं करेगा। लेकिन अभी इससे नहीं काम खत्म हुआ, अभी और सेटिंग करना पड़ेगा अपने फ़ोन के अंदर। तो ये देखिए आपके फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र के अंदर ना, जैसे सेटिंग ओपन करोगे तो सेटिंग में ना आपको हिस्ट्री मिलता है। वेट, ये इनकॉग्निटो मोड में क्यों चला गया भाई। हाँ, यहाँ पे ना आप देखोगे हिस्ट्री या क्लियर ब्राउजिंग डाटा, आपको हिस्ट्री पे जाना है। हिस्ट्री पे जाने के बाद ये आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, आप देखिएगा स्क्रॉल करके कितना ज़्यादा दिखता है। यहाँ पे ना मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे आपके फ़ोन के अंदर ना रिकमेंडेशन भी आने लगते हैं। अगर किसी ने गंदे वीडियो वगैरह सर्च किए तो वो आपको रिकमेंडेशन आते रहते हैं आपके फ़ोन पे। तो आप इसको ज़रूर ख़त्म करिए। आपके फ़ोन में अगर गंदे नोटिफिकेशन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आप कर दोगे ना एक काम, तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा और गंदे गंदे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर क्लिक कर देना है, ये लास्ट ओवर मिला हुआ रहेगा, ठीक है। इसको ना ऑल कर देना है, ऑल टाइम कर दीजिए। आपका लगभग 1 GB या 2.5 GB या 500 MB जरूर खाली हो जाएगा ये जब कर लोगे। ये सब तीनों को सिलेक्ट रहने दीजिएगा, ब्राउजिंग डाटा, कुकीज एंड साइट, ये उसके बाद क्लियर कर दो, क्लियर, डिलीट, बस। आपका ब्राउज़र ना रिफ्रेश हो जाएगा, जैसा नया में था ना आपका पहले, उस तरह से आपका काम करने लग जाएगा। तो इसलिए ये सारे सेटिंग ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, ये तो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और करना है कि ये आपके फ़ोन के अंदर ना रिकमेंडेशन यहीं पे दिखने लगता है, तो इससे आपका समय भी बर्बाद होता है, आपके फोकस बिगड़ जाते हैं। तो आपको ये सेटिंग कर लेना है कि यहाँ पे क्लिक करके टर्न ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ कर दोगे तो आपको फालतू के न्यूज़ नोटिफिकेशन ये सब नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल क्लीन इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलने लग जाएगा। और दोस्तों आपको इसके अलावा, ये मैंने तीन सेटिंग जो बताया, इसके अलावा मैं एक और तगड़ी सेटिंग में बताता हूँ, क्रोम ब्राउज़र के अंदर ही है, और वो है सेटिंग में जाने के बाद आपको देखने के लिए मिलता है। क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग में जाने के बाद ना नीचे करोगे ना, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, हाँ ये सेटिंग है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आप जाओगे ना इसके अंदर तो नीचे स्क्रॉल करिएगा जरूर, और फिर यहाँ पे दिख जाएगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आप नोटिस करोगे तो सेफ ब्राउजिंग ऑफ ये ऐसे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो, और इस पर जाने के बाद ना ये आपका जो है ना सबसे टॉप वाला, ये आपको चालू कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इन्हेंस प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन आपको इन्हेंस कर देना है। इन्हेंस जब आप कर देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी आपको मिलेगा दोस्तों। और DNS की ये ऑटोमेटिक रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, ये अच्छा है।
और आपका फ़ोन अब बहुत अच्छा चलेगा, पहले के मुकाबले जो आपका फ़ोन है वो बेहतर चलेगा। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो कि आपको समझनी पड़ेगी। तो ये कुछ था ट्रिक्स जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था क्रोम के बारे में। अब एक आखिरी चीज़ मैं बताऊंगा जिसको कि मिस मत करिएगा, ये लास्ट वाला चीज़ जो है ना बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पर आप कोई ब्राउज़र सर्च कर लो, मैं सर्च कर लेता हूँ ब्राउज़र, मैंने ब्राउज़र सर्च कर लिया, चाहे कोई छोटा ब्राउज़र हो कम MB का, जैसे ये 51 MB का ओपेरा मिनी है, ये है 89 MB का, कुछ कुछ ऐप हैं। अब कोई छोटा सा ओपेरा मिनी है ये, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कोई एजुकेशनल चीज़ के, पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं बताते बताते आपको इसको ओपन करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर कोई आप कोई आपके साथ या कोई दोस्त कोई भी अगर कुछ गंदे चीज़ वगैरह सर्च करते हैं ना, तो बिल्कुल वो ब्राउज़र आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्रोम ब्राउज़र। क्यों भाई, क्रोम में हम कुछ भी सर्च करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, उससे फ़र्क पड़ेगा कि आपके फ़ोन के अंदर ना क्रोम ब्राउज़र जो है वो गूगल का है, तो गूगल सिंक होता है आपके फ़ोन में, जो जीमेल होता है ना, गूगल फोटोज होता है, वो सब सिंक होता है, आपके डाटा शेयर होते हैं, आप गलत फालतू ऐड गरे वेबसाइट पर आप जाते हैं ना क्रोम ब्राउज़र से, तो आपको नुकसान होता है, आपके जीमेल के डेटा भी लीक होते हैं, आपके फ़ोटो प्राइवेट वीडियो अगर हैं आपके फ़ोन में तो वहाँ पे दिक्कत है। हाँ, आपके फ़ोन में अगर गंदे फोटो वीडियो नहीं रहते हैं फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको सेफ्टी है इस चीज़ का तो बिल्कुल उसमें गलत चीज़ें मत सर्च करिएगा क्रोम ब्राउज़र में। कुछ भी सर्च करना हो, फालतू चीज़ें कुछ भी चीज़ें सर्च करना हो देखना हो, इसके अंदर जाओ, ओपेरा मिनी में जाओ। वैसे देखिए कोई भी ब्राउज़र दूसरा, बस क्रोम को छोड़ के कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ करो, मेरा कहने का मतलब ये है, इतना साधारण सा, ये भी एक ब्राउज़र है और यहाँ पे आप कुछ भी फालतू चीज़ें सर्च करो, जो भी देखना है कोई टेंशन नहीं है। क्रोम का यूज़ करते हो तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए या कहते हैं ना अच्छी चीज़ें सर्च करने के लिए सिर्फ वही यूज़ करो क्रोम को, क्रोम में फालतू चीज़ें कुछ भी मत होने दो, क्योंकि वो क्रोम ब्राउज़र एक ज़रूरी सॉफ्टवेयर है और उसमें हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा जीमेल फ़ोटो गूगल फ़ोटो फ़ोन के फाइल डेटा सब चीज़ जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ हो गया, अब देखें कि ओपेरा मिनी आप यूज़ करिएगा फालतू चीज़ों के लिए, चाहे अच्छी चाहे जो भी चीज़ें हो, जैसे मूवी डाउनलोड करना और या कुछ भी देखना, तो मूवी वगैरह देखने में वेबसाइट में देखिए बहुत सारा डेटा ना वो कह लीजिए ना, कैसे मैं बोलूँ यार सिंपली भाषा में, मैग्नेट की तरह ना आपके डेटा को वो चुंबक की तरह खींच लेते हैं, तो इसलिए थर्ड पार्टी वेबसाइट ना जो हैकर वगैरह होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, थोड़ा बच के रहिएगा, मैं आपके लिए यही रिकमेंड करूँगा। अब एक चीज़ और, जब ओपेरा मिनी को आप इंस्टॉल करोगे तो एक काम जरूर कर दीजिएगा, इसके नोटिफिकेशन जो है ना, ये ऐप इन्फॉर्म में गया, ये नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिएगा, तो इसके भी नोटिफिकेशन जो आते हैं ना बार बार, यहाँ पे कुछ गंदे गंदे नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगे। तो ये था कुछ ब्राउज़र के बारे में ज़रूरी बातें और आपके लिए सावधानी भी मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको फॉलो करना है इस चीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्रोम ब्राउज़र के ट्रिक्स को लेकर के, आपकी सेफ्टी को लेकर के भी था ट्रिक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिख देना है क्रोम ब्राउज़र बेस्ट ट्रिक, क्रोम ब्राउज़र बेस्ट ट्रिक, ये लिख देना है कमेंट में। चलिए, मैं मिलता हूँ आगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बाय। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे थे हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल।